चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में, जिस तरह से कड़ाके की ठंड चल रही है, लगातार जद में है प्रदेश। और ऐसे में बुधवार को 4 शहरों में सीवियर कोल्ड डे, तो भोपाल सहित 12 में कोल्ड डे रहा। सर्दी का सितम सबसे ज्यादा ग्वालियर में बर्फ रहा है। यहाँ रात का पारा 4.5 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज हुआ। यहाँ सुबह इतना कोहरा था कि विजिबिलिटी जीरो थी, यानी कि 1 फीट दूर भी कोई दिख ही नहीं रहा था। भोपाल में कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन रात का पारा अभी भी 7.4 डिग्री पर था, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। दिन में तापमान 17.8 डिग्री है। वहीं नए साल के पहले हफ्ते में 4 दिन कोहरा और 2 दिन कोल्ड डे का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मौसम केंद्र ने अगले 72 घंटे ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद कई जगह मावठा गिरने के आसार हैं, जबकि गुरुवार को भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, चंबल संभाग और सोलह जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है मध्य प्रदेश में, बेकाबू हो रही है इन दिनों ठंड। अगले 72 घंटे और इसी तरह से सर्दी जो है वो कपकपाती रहेगी। भोपाल सहित 12 शहरों में कोल्ड डे जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रही है ठंड। ये हालात, ये देखिए तस्वीरें सामने आई, कोहरा किस तरह से छाया हुआ है। लोग अलाव का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ठंड में बचाव के लिए सिर्फ यही एकमात्र साधन जो है वो लोगों के पास होता है, और यही वजह है कि लोग ठंड से बचने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। 16 जिले हैं जहां पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगामी दिनों तक इसी तरह से आप ठंड से जो है वो अभी फिलहाल परेशान होंगे। सर्दी का जो सितम है वो इसी तरह से बरपता रहेगा। कमलेश मोदी हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मोदी, जिस तरह से बात करें, कमलेश क्या हालात है? 16 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है और हम देख पा रहे हैं कि सर्दियां जो है वो इन दिनों चरम पर है, हालांकि कोहरा जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। अभी की क्या जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से लोग बचाव कर रहे हैं ठंड से और क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल श्वेता, बात की जाए कि मौसम की, तो मौसम जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हुई और नए साल की शुरुआत के साथ ही जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। विजिबिलिटी करीब देखा जाए तो मंदसौर में 50% रह गई है कि 50% मतलब यातायात प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर जो है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर भी प्रशासन ने स्कूल के लिए नियम भी चेंज किए कि 9 बजे वाले जो स्कूल लगने हैं वो 10 बजे लगेंगे, तो जिला प्रशासन ने उसको भी ध्यान में रखते हुए वो भी समय चेंज किया है। विजिबिलिटी काफी लो पड़ गई है। रेन बसेरा जिला प्रशासन द्वारा जो सर्दी में हो रही, जो सर्दी से परेशानी हो रही है उसके लिए रेन बसेरा, उसके जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। बात की जाए मौसम की, तो मौसम जिस तरीके से सर्द हुआ है, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं और अभी भी मौसम का जो टेम्परेचर वो 6 से 7 डिग्री है, मतलब न्यूनतम 6 से 7 डिग्री है। रात में जो है बहुत ज्यादा, अभी मालवा अंचल में बहुत ज्यादा सर्दी गिर रही है, तो निश्चित तौर पर जिस सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। लोग तरह तरीके से अपने अपने तरीके से सर्दी से बचाव करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सर्दी का सितम जो है मालवा अंचल में भी देखने को मिल रहा है। मालवा अंचल में खासतौर से देख पा रहे हैं। आप पीछे भी जाइएगा और देखिए चाय की जो खुशबू है वो यहाँ तक पहुंच रही है हमारे दर्शकों तक भी, क्योंकि जब ठंड होती है तो वो चाय ही एकमात्र ऐसा होता है जो लोगों की ठंड जो है वो कहीं ना कहीं कम करता है। तो उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, क्या लोग पहुंचते हैं और ज्यादा बिक्री या इन दिनों बढ़ जाती है जब बहुत ज्यादा ठंड अचानक से पड़ रही हो? जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा, एक होटल व्यवसायी है, ये बिल्कुल जो है इस वक्त गर्मी, जो सर्दी में जो कहते हैं जलेबी का एक आनंद होता है। अब बात करते हैं भाई साहब, किस तरीके की सर्दी गिर रही है और जलेबी का जो आनंद है वो किस तरीके से लोग उड़ रहा है? सर्दी तो बहुत जोरदार गिर रही है अभी, बिल्कुल मौसम ठिठुरने जैसा है। और जब भी ठंड के मौसम में जलेबी काफी अच्छी चलती है अपने यहाँ की, प्रसिद्ध पुरानी 90 साल से दुकान चल रही है अपनी, हमारी 4 पीढ़ी हो गई हमारी दुकान चलते हुए। जी सर्दी का कैसा मजा ले रहे हैं लोग, जो कि चूंकि रात को भी सर्दी काफी गिरती है, 11 बजे तक दुकान खुलती है? हमारी तो दुकान 10:30-11 बजे तक खुली रहती है, लेकिन 9 बजे बाद बिल्कुल बाहर जो अंदर घर में चल जाते हैं, बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और बिल्कुल ठंडा मौसम है और जलेबी तो काफी अपनी चली रही है। जलेबी का लुत्फ यहाँ पर लोग उठा रहे हैं, जलेबी के लुत्फ को लेकर यहाँ पर लोग आनंदित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जो कहते हैं सर्दी का जो सितम है वो पूरी तरीके से जारी है श्वेता, और कुल मिलाकर देखा जाए तो मालवा अंचल में अफीम की ज्यादातर पैदावार होती है, तो कहीं ना कहीं अफीम की फसल आने वाली जो है उस पर भी कहीं ना कहीं सर्दी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जलेबी हो चाहे फिर चाय हो, ठंड में ये जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं लुभाती है। बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ जो ग्वालियर से जावेद खान भी जुड़ गए, उनसे भी जो है वो हम ले लेते हैं अलर्ट की किस तरह से यहाँ पर
नज़ारा जो है वो दिख रहा है। भोपाल सहित 12 शहरों में रेड अलर्ट जो है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ग्वालियर से हमारे साथ जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद आप हमें सुन पा रहे हैं? जावेद आप हमें सुन पा रहे हैं? फिर से हम संपर्क करेंगे जावेद से। बता दें सर्दी का सितम लगातार जारी, अगले 72 घंटे और आपको इसी तरह से अभी कपकपाते हुए रहना होगा। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं INH 24/7 के माध्यम से कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, कोहरे में वाहन जो है वो धीमे गति से चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए।